हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडॉल के जनवरी सेशन के एडमिशन के बारे में। जी हाँ, जितना शौक आपको लग रहा है उतना शौक शायद मुझे भी लग रहा है, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इस साल जनवरी की एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट्स वगैरह आने के बाद एडमिशन अब मार्च में शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सेकंड सेशन की एडमिशन कब से शुरू होगी, तो जी हाँ, आइडॉल ने यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है अपना सर्कुलर, जिसमें उन्होंने कुछ बातों को क्लियर किया है कि ये जो एग्जामिनेशन होने वाली है या ये जो एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, जनवरी टू दिसंबर सेशन 2022 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। इसमें FIBA, FIBCOM, CBCS पैटर्न, दैट इज सेमेस्टर पैटर्न की हम बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर BAF को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिस तरीके से हमने देखा था जुलाई सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड ईयर BA, सेकेंड ईयर BCOM, CBCS पैटर्न कंटिन्यू रहने वाला है। MA पार्ट वन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। MCOM अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट, MA इन एजुकेशन, CBCS पैटर्न की एग्जाम जो एडमिशन है वो 8 मार्च से लेकर 22 मार्च के दरमियान होने वाली है। इसके साथ साथ जितने भी MA पार्ट टू के स्टूडेंट्स CBCS पैटर्न, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मराठी, हिंदी, इंग्लिश एंड MCOM पार्ट टू के CBCS सेमेस्टर पैटर्न की एग्जाम जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी 8 से लेकर 22 मार्च के बीच होने वाले हैं। लेकिन जो फर्स्ट जो सेकेंड ईयर BA BCOM के स्टूडेंट्स थे उनका एनुअल पैटर्न था, तो वो एनुअल पैटर्न यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाला है। माय डियर, फर्स्ट ईयर के लोगों का सेमेस्टर पैटर्न, लास्ट ईयर आपका सेमेस्टर था तो इस साल भी आपका सेमेस्टर होगा, लास्ट ईयर आपका एनुअल था तो इस साल भी आपका एनुअल पैटर्न ही रहने वाला है TYBA TYBCOM के स्टूडेंट्स का। साथ ही साथ MA पार्ट टू के स्टूडेंट्स का भी एनुअल पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पर आपकी जो एडमिशन डेट है वो 8 से लेके 22 मार्च तक कहा गया है। आपको वही नॉर्मल वेबसाइट पर जाना है, और अगर आपके पास आपका जो UID नंबर था, जो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, अगर आप उसी का इस्तेमाल करोगे तो आपका मैक्सिमम जो स्टेप है ना वो ऑलरेडी फिलअप करके आपको रहेगा, प्री फिल्ड रहेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपने पेमेंट कंप्लीट करके आगे प्रोसीड करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है, और जिसकी जैसा जून में, जुलाई के एग्जाम में आपको डिक्लेयर किया गया था। तो भाई साहब, अच्छी बात यह कि सेकंड सेशन के एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग अगर सेकंड सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर एडमिशन लीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर बताइए कि एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर करिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।